स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा एवं नेहरू युवा केंद्र और क्रीड़ा अधिकारी द्वारा कुछ प्रतियोगिताएं करवाई गई। सबसे पहले निबंध प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान कक्षा 11 मैं माननीय विधायक महोदय से निबंध तृतीय स्थान प्राप्त किया है तुम्हारी इसका माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय। द्वितीय स्थान प्राप्त मैं माननीय अपर जिलाधिकारी सॉरी पुलिस उपाध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा। माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि छात्रा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। जगदीश भट्ट द्वितीय स्थान राहुल सिंह भंडारी तृतीय स्थान प्राप्त किया है अंकित भट्ट। याद है जब देश आजाद हुआ था, यद्यपि हम उस स्थिति को इस धरती पर नहीं रहे होंगे, लेकिन याद इसलिए है कि हमारे पूर्वजों ने कर्म ही ऐसे किए थे कि वो दिन हमको याद रहता है। विजय दिवस भी हमेशा याद रहेगा। वो क्यों याद रहेगा? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, सैनिकों ने अपनी शहादत दे करके इस देश की रक्षा करके हम आप सभी को इस लायक बनाया है कि हम आज स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक के रूप में खड़े हैं, कि हमारा देश मुड़ना असंभव जैसा महसूस होता है। उसका कारण यह है सब कुछ मेरा देश ही मेरी असली पहचान है, मेरा देश ही मेरी असली पहचान है। आज की मिलिट्री स्टेशन पिथौरागढ़ समस्त अधिकारीगण 1971 लड़ाई के वॉर वेटरन्स बहादुर भूतपूर्व सैनिक वीर नारियों और उनके परिवारजनों का स्पेशल कमांडर व समस्त पंचशूल ब्रिगेड की तरफ से
आज की इस भूतपूर्व सैनिक रैली में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम उन वीर सपूतों के बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक दुर्गम परिस्थितियों का सामना करते हुए अनेक प्रकार का बलिदान देते हुए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भारत माता की रक्षा के लिए न्यौछावर किया। जब जब भारत माता पर कोई वार हुआ है तब तब उस वार का मुंह तोड़ जवाब देने को ये वीर सपूत हमेशा तत्पर रहे हैं। इससे पूर्व 27 मई 2018 को पिथौरागढ़ में चंपावत जिले के भूतपूर्व सैनिकों के लिए जय।